अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसपी 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 21 को, कॉग्निटिव व्यूज़ ऑफ लर्निंग। इसके अंदर हमने अटेंशन, परसेप्शन और स्कीमा को पढ़ेंगे। हम अटेंशन को तो हम पिछले लेसन में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जिस चीज़ को हम नोटिस करना होता है, डिफरेंट सेंसेशंस हमारे आ रही होती हैं, उनमें से हमने एक स्पेसिफिक चीज़ को हमने अटेंशन देनी होती है, एक सेलेक्ट करना होता है, ये चीज़ जो है अटेंशन कहलाती है। इसके अलावा परसेप्शन है, परसेप्शन के बारे में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। परसेप्शन जो है, मैं आपको दोबारा बता दूं कि एडिंग मीनिंग टू आवर सेंसेशन इज़ कॉल्ड परसेप्शन। बॉटम अप और टॉप डाउन की दोबारा बात करें यहाँ पे, जो है बॉटम अप उसको हम फीचर एनालिसिस भी कहते हैं। बॉटम अप के अंदर हम जो है मुख्तलिफ सेंसेशंस के मुख्तलिफ पार्ट्स को मिलाकर एक होल, एक मीनिंग बनाते हैं, और टॉप डाउन के अंदर इसमें हम नई आने वाली चीज़ को अपने माइंड में पहले से मौजूद थॉट्स के साथ रिलेट करते हैं और उसके मुताबिक इसको समझते हैं, परसीव करते हैं। स्कीमास, एक काम को करने के लिए हमारे माइंड के अंदर पहले से एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। एक आप एक डायरी की तरह ले लें, एक एग्जांपल लें कि एक डायरी है और जिसके ऊपर हम जो कोई भी काम करते हैं लाइफ में पहली दफ़ा, वो उसके ऊपर नोट होता जाता है, और अगली दफ़ा जब हम वो काम करते हैं तो हमारे लिए पहली बार की बजाय दूसरी दफ़ा वो काम करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसके रिलेटेड हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क पहले से बन चुका होता है। इस स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क को हम स्कीमा का नाम देते हैं। स्कीमा इज़ अ पैटर्न और गाइड फॉर प्रेजेंटिंग एन इवेंट, कंसेप्ट और स्किल। स्टोरी ग्रामर, स्टोरी ग्रामर जनरल चीज़ इसके अंदर के टिपिकल जनरल स्ट्रक्चर दैट कुड फिट मैनी स्पेसिफिक स्टोरीज, मतलब कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, बनाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज को हम फिट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर कह रहा है कि ये भी एक तरह का स्कीमा है जिसके अंदर डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट इवेंट्स को एक तरतीब के साथ जो है हम जोड़ा जाता है, एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स हमारे एवरीडे की सिचुएशन जो होती हैं हमारी ज़िंदगी की, उनको रखा जाता है, इसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन कह रहा है कि जो हमने मेमोरी की टाइप्स पढ़ी हैं पहले, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल और कंडीशनल नॉलेज या मेमोरी, ये जो है मेटाकॉग्निशन इज वंस नॉलेज ऑफ दीज थ्री टाइप ऑफ मेमोरी दैट वी प्रोसेस, यानी कि इन तीनों टाइप्स की मेमोरीज के बारे में जो हम प्रोसेस करते हैं, इसका नॉलेज जो है वो मेटाकॉग्निशन कहलाता है। ये जो है मेटाकॉग्निशन रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है हमारी लर्निंग को, रीजनिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। मेटाकॉग्निशन जो है थिंकिंग को और हमारी लर्निंग को रेगुलेट करता है। देयर आर थ्री एसेंशियल स्किल्स दैट अलाउ अस टू डू दिस, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग। प्लानिंग के अंदर कह रहा है कि चीज़ की प्लानिंग करना, कि किस तरह करना है, चीज़ को स्टार्ट किस तरह करना है, कितना टाइम लगेगा उसमें, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी है, और उसके अलावा कौन से रिसोर्सेज हैं और कहाँ से उन रिसोर्सेज को हासिल करना है, किन चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने काम करना है, कौन से काम जो हैं स्किप कर सकते हैं, कौन से काम जो हैं वो ज़रूरी हैं, किस चीज़ पर अटेंशन देनी है, किस चीज़ पर को पर फोकस नहीं करना। मॉनिटरिंग के अंदर कह रहे कि जो हम काम कर रहे हैं साथ साथ उसको मॉनिटर करना, कि हम किस तरह काम को कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या काम की कोई सेंस भी बनती है, क्या जो हम कर रहे हैं वो तेज़ कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं। इवेल्यूटिंग यानी कि जो काम हो गया है उसके बाद उसके अंदर से उसको जज करना कि काम कितना वैलिड था या कितना रिलायबल है, यानी कि जो हमने प्रोसेस किया है, जो आउटकम्स आई हैं वो क्या हमारी एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स थी उसके मुताबिक हैं या नहीं। टीचर जो हैं वो स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप द एबिलिटी बाई हेल्पिंग देम टू थ्री थिंग्स, प्लान, मोनिटर और इवेल्यूएट। और स्टूडेंट शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू प्लान देयर वर्क एंड स्टडीज़, दे मस्ट बी टॉट टू मोनिटर देयर वर्क, दे मस्ट बी टॉट टू इवेल्यूएट देयर वर्क। आगे यहाँ पे स्टेजेस बताई गई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पहले डिटेल से पिछले लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसने इनको एक्सप्लेन भी नहीं किया, जस्ट इनके नाम दिए। तो व्यूअर्स, ये हमारा लेसन था PSY 406 का लेसन 21। आई होप आई मेड इट क्लियर। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।